एक्यूप्रेशर का एक सिंगल पॉइंट मास्टर पॉइंट P6 पेरिकार्डियम 6 के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो P6 एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये सिर्फ एक सिंगल जो पॉइंट है ये मास्टर पॉइंट कहलाता है। ये सिंगल जो पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट एक्यूप्रेशर का, हमारे बहुत सारी डिफरेंट डिजीज जो हमारी ह्यूमन बॉडी में है उसको हील कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। बहुत सारी डिफरेंट पॉइंट्स को ये हील कर सकता है, डिजीज को ये हील कर सकता है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन जान लेते हैं। इसकी लोकेशन जो कोरिस्पोंडेंस है वो हमारे हैंड पे इंडेक्स फिंगर का जो हमारा फर्स्ट ज्वाइंट है उसके बिल्कुल बीच में यहां पर आएगा, इस तरीके से यहां पर बिल्कुल बीच में। और इसी तरीके से हमारे राइट हैंड पर भी यहां पर एग्जैक्टली ये जो हमारा ज्वाइंट है इसे हल्का सा नीचे और सेंटर में। ये जो सिंगल P6 पॉइंट है ये मास्टर पॉइंट डिफरेंट डिजीज को ट्रीट करने के हमारे काम आता है। इसे जैसे कि हमने एक लिस्ट बनाई है कि कौन कौन सी डिजीज अगर हमें हो तो ये सिंगल पॉइंट कौन कौन से प्रॉब्लम को हील कर सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइना, यानी कि हृदय शूल या फिर हार्ट पेन जिसको बोला जाता है। हार्ट में अगर पेन हो तो ये सिंगल P6 पॉइंट उसको ट्रीट कर सकता है। फिर है अर्थराइटिस ऑफ द एल्बो, एल्बो की जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसको ये ट्रीट कर सकता है, हील कर सकता है सिंगल एक पॉइंट। एमनीसिया यानी कि शब्दों को भूल जाना, कई बार होता है कि हम शब्दों को बोलते बोलते भूल जाते हैं तो ये सिंगल पॉइंट P6 पॉइंट उसको ट्रीट करेगा। एलर्जीज, हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में अगर किसी भी तरीके की कोई भी एलर्जी है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी एलर्जी है तो हमें इस सिंगल P6 पॉइंट पर ही ट्रीटमेंट देना है एक्यूप्रेशर का, तो हमें इस एलर्जी से रिलीफ मिलेगा। फिर है पेट में गुड़गुड़ाहट होना या फिर ब्लड प्रेशर, जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। कंजेशन ऑफ द ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के रक्त अवरुद्ध हो जाना, जो माइंड है वहां पर ब्लड की स्टैग्नेशन होना, या फिर जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, आंतों का सर्दी जुखाम, जो इंटेस्टाइन्स हैं उसका सर्दी जुखाम का जो ट्रीटमेंट है हम यहाँ पर ही करेंगे। अगर सर्दी जुखाम भी नॉर्मल है तो भी हम इस पॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे तो हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर है डिजीनेस यानी कि चक्कर आना। ये जितने भी आपको डिजीज के नाम बताए जा रहे हैं इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ एक सिंगल मास्टर पॉइंट जो कि पेरिकार्डियम 6 P6 पॉइंट है, इस पे ही अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो हमें इन सभी डिजीज या फिर इनमें से कोई भी डिजीज है उनको हमें हील करने में रिलीफ मिलेगा, हमें हेल्प मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। फिर है एपिलिप्सी, एपिलिप्सी की प्रॉब्लम हो यानी कि मिर्गी की प्रॉब्लम। एल्बो स्पैम्स यानी कि कोहनों की ऐंठन। फिर हम बात करें मसूड़ों का प्रदाह होना, फिर मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो, मसूड़ों में या फिर पेन हो। हृदय में धड़कन बढ़ जाना, हृदय की हार्ट की धड़कन अगर बढ़ जाए तो इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हार्ट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड या फिर ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर है हार्ट डैट कॉजेज सफरिंग ऑफ द हीट, डैट कॉजेज सफरिंग ऑफ द हार्ट यानी कि हमारे शरीर में गर्मी अगर बढ़ जाए तो इस पॉइंट सिंगल पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर है आंतों की हर्निया यानी कि इंटेस्टाइंस की हर्निया की अगर प्रॉब्लम है, फिर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है या बवासीर की प्रॉब्लम है या फिर कोई गर्म रोग हमें हो चुका है, गर्मी लगती है हमें शरीर में, जब गर्मी लगेगी तो हमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडा पानी या फिर ठंडा ठंडा खाने का हमारा मन करेगा, तो ऐसे में समझ जाइए कि हमें गर्मी लग रही है, हमारे शरीर में गर्मी का लेवल बढ़ चुका है। या फिर हैंड का स्पैम्स, हाथों की ऐंठन होना, या फिर इम्पोटेंस, इल्फला
इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ यानी कि मुंह का पर्दा, लेजी आई यानी कि सुस्त आंखें, लैक ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग द सेक्स, लॉस ऑफ विल, मैडनेस यानी कि पागलपन, लॉस ऑफ विल यानी कि इच्छा शक्ति की कमी हो जाना, या फिर मेलोकोलिया या फिर मैडनेस जिसको कि हम बोलते हैं पागलपन की अगर किसी को प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, रात को ना दिखना, नर्वस ब्रेक डाउन अगर हो जाए, नर्व्स अगर ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर किडनी का प्रदाह हो जाना, पेरिकार्डिस यानी कि हृदय की झिल्ली का प्रदाह होना, फोबिया अगर हमें कोई भी किसी भी तरीके का डर है या फिर रोग का कोई डर है, या फिर हमारी जो आइज हैं वो रेड हो जाए, या फिर पेन इन द एल्बो या फिर आर्म, आर्म्स में पूरे के पूरे आर्म्स में या फिर एल्बो में पेन होना, या फिर स्टमक एक स्टमक में दर्द होना, कमजोरी हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाए, विंड हीट इन हैंड्स हाथों में गर्मी लगना, सिर्फ हाथों में ही हाथों वाले हिस्से में ही गर्मी लगना, योनिंग यानी कि जमाई आना। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपको बताई गई इन सभी कि सभी डिजीज का सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट पे ट्रीटमेंट करने से हमें रिलीफ मिलेगा। इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी पर्सन को तो इस पे हमने क्या करना है, एक्यूप्रेशर के जो मैग्नेट है, ये स्टार मैग्नेट इसको कहते हैं, तो P6 की जो लोकेशन आपको बताई गई वहां पर आपने इस तरीके से मैग्नेट लगा देना है लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पर भी। तो अगर इस ट्रीटमेंट का हम डेली बेसिस पे यूज करते रहेंगे तो ये जितने भी आपको डिजीज बताई गई है ये सिंगल मास्टर पॉइंट P6 आपकी बहुत ही हेल्प करेगा डिजीज को हील करने में। तो हम आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे। सत श्री अकाल।